मेरा नाम मोहम्मद यासिर, एमएस केमिस्ट्री बी एड, एमएस मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिस के इस्तेमाल, यूजेज ऑफ बेसिस। बेसिस जो है सबसे पहले ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है। ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? बेस जो है जो हम घर में हाथ धोने के लिए, जो बर्तन धोने के लिए, जो कपड़े धोने के लिए जो साबुन इस्तेमाल करते हैं, उस साबुन की तैयारी के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पर आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक बेस है। इसको कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। अब हार्ड वाटर क्या होता है कि हार्ड वाटर जिसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड्स या सल्फेट शामिल हो जाएं। हार्ड वाटर का ये मतलब नहीं है कि वो सख्त है। हार्ड वाटर का मतलब ये है कि जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट शामिल हो जाएं, उसको क्या कहते हैं? हार्ड वाटर। उसको सॉफ्ट करने के लिए यानी उनका रिएक्शन जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो ये उन आयंस को उसमें से निकाल देता है और जो वाटर है वो साफ हो जाता है। यानी हार्ड वाटर को साफ करने के लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी एक बेस है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो एसिड रेन की वजह से जो ज़मीनें हैं जो हम काश्त के लिए इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर जो है एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है, एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। जब भी किसी की एसिडिटी इंक्रीज होती है ज़मीन की, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यानी उसके असर को ख़त्म करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस का इस्तेमाल कर देते हैं ताकि उसकी जो एसिडिटी है वो ख़त्म हो जाए। तीसरे नंबर पर है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये जो अल्कलाइन बैटरी में इस्तेमाल होता है, अल्कलाइन बैटरीज के अंदर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। नंबर चार है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमारा जो स्टोमक है, मैदा, उसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो खारिज करता है, जिसकी वजह से मैदे में अगर ज्यादा एसिड खारिज हो जाए तो एसिडिटी, मैदे की जो एसिडिटी है वो क्यों हो जाती है? बढ़ जाती है। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए भी जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसको बेस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम। इसके अलावा जो शहद की मक्खी है उसका जो डंग का इलाज है, अगर शहद की मक्खी काट जाए उसके डंग के इलाज के लिए भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये आग बुझाने वाले जो आलात हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, आलात हैं, उनके अंदर इस्तेमाल होता है। जो आग लग जाती है कहीं पे, और ये हॉस्पिटल्स के अंदर लगे होते हैं, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर रश ज़्यादा होता है, फैक्ट्रीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर ये मौजूद होते हैं। अगर कोई अचानक आग वहाँ पे लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक बेस है। ये अगर कपड़ों के ऊपर ग्रीस के कोई दाग वगैरह लग जाते हैं, उन दाग को रिमूव करने के लिए, दाग को ख़त्म करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। आगे जी, मैदा जो है हमारा स्टोमक, उसकी एसिडिटी ये है क्या, कैसे होती है? अब स्टोमक का काम क्या है कि मैदा जो है, जो हम खुराक खाते हैं, जो हम खुराक डेली हम यूज करते हैं, उसको ये हजम करता है, खुराक को हजम करता है। उसको हजम करने के लिए ये रेगुलरली बाकायदगी से केमिकल्स की रतूबत जो है वो पैदा करता है। अब उसके अंदर HCl और कुछ दूसरे साल्ट जो है ये मौजूद होते हैं, HCl और दूसरे साल्ट। अब HCl जो है हमें ये भी पता है कि ये बहुत ज्यादा कोरेसिव होता है। कोरेसिव उसे कहते हैं जो कंसंट्रेटेड हालत में हो, आपकी जिद को जला दे, उसको कोरेसिव कहते हैं।
यानी जो स्टमक है उसके अंदर जो HCl है ये बहुत ज्यादा क्रसिव है, लेकिन फिर भी हमारा जो स्टमक है उसके असरात से महफूज रहता है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसकी वजह क्या है कि स्टमक की जो अंदरूनी दीवारें हैं वहां पर कुछ सेल्स होते हैं जो बेस पैदा करते हैं, यानी ये कुदरती तौर पर है अल्लाह ताला की तरफ से कि जो हमारा स्टमक है उसकी अंदरूनी जो दीवारें हैं उसके ऊपर सेल की एक तह होती है जो बेस पैदा करती है, वो बेस जो है इसके असर को खत्म कर देती है, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है, जिसकी वजह से स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचता। स्टमक का काम क्या है? एक तो जो हम खुराक इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में, रोजमर्रा जिंदगी में जो चीजें हम खाते हैं उसको ये तोड़ता है, खुराक को हजम करता है, खुराक को तोड़ता है। इसके अलावा अगर खुराक के अंदर कोई नुकसानदेह बैक्टीरिया है, हमने खुराक खाई, हम उसको जिस्म के अंदर ले गए, स्टमक में पहुंच गई, अगर उसके अंदर कोई नुकसानदेह बैक्टीरिया है तो ये उसको मार देता है। सबसे पहले काम यही होता है कि उसको मार देता है एसिड जो है। अब हाइपर एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी क्या होती है कि सम टाइम्स ऐसा होता है बाद अवकात कि हम ज्यादा एसिड HCl पैदा हो जाता है, मैदा जो है स्टमक जो है ये तकरीबन जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर ये तकरीबन ज्यादा होता है, उस उम्र में बुढ़ापे में तकरीबन ये ज्यादा हो जाता है कि स्टमक जो है रूटीन से ज्यादा क्या पैदा कर दे, HCl पैदा कर दे, तो वो एसिडिटी का बायस बनता है जिसको हम हाइपर एसिडिटी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, हाइपर एसिडिटी कहा जाता है। अब इसकी अलामत क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे जो है हाइपर एसिडिटी है या एसिडिटी का शिकार हूं मैं, कैसे इसका पता चलेगा आपको? एक तो आपके स्टमक या मैदे में जलन होगी, मैदे के अंदर जलन होगी, ये जलन जो है छाती की तरफ फैलेगी, जहां से वो खट्टी डकारें आती हैं, छाती की तरफ फैलती है और सीने में आपको यहां पे सीने के अंदर जो है जलन महसूस होती है, सीने में जलन महसूस होगी, जो इसकी अलामत है। अब इससे आपको बचा कैसे जा सकता है, इसका बचाव आपने कैसे करना है? नंबर एक जो है, एक तो आप ज्यादा खाने से गुरेज करें, ज्यादा खाना इस्तेमाल ना करें। बात बात यह होता है कि खाना बड़ा अच्छा बना होता है, हम भूख भी हमें होती है लेकिन भूख न भी हो अगर फिर भी हम उसको ज्यादा खा जाते हैं, इसलिए आपको ज्यादा खाने से क्या करना है, गुरेज करना है। अगर आपको दो रोटियां आप खाते हैं तो डेढ़ रोटी इस्तेमाल करें। इसके अलावा फैटी एसिड और मसाला दाल पर आपसे दूर रहें, क्योंकि अक्सर आप जो लोग होटलिंग करते हैं ज्यादा तौर पर वो वहां पे जो होटल्स होते हैं वहां पर मसाला जात ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी नस्बत जो हम खाना घरों में तैयार करते हैं, इसलिए ज्यादातर घरों का खाना इस्तेमाल करना चाहिए जिसके अंदर मसाला और फैटी एसिड जो है वो क्यों होना चाहिए, कम होने चाहिए। तीसरा और आखिरी बचाव है इसका, दूसरा जो है कि खुराक बाकायदगी खाने के बाद, यानी आपने बाकायदगी से खाना है, ये नहीं है कि आप नाश्ता 9 बजे कर रहे हैं, दिन का खाना आप 4 बजे खा रहे हैं, फिर आप 6 बजे खा रहे हैं, एक टाइम बाकायदगी, अगर आप 7 बजे नाश्ता कर रहे हैं डेली 7 बजे करें, 2 बजे दिन का खाना खा रहे हैं डेली 2 बजे आप खाना खाएं, शाम का अगर आप 7 बजे खा रहे हैं, टाइमिंग चेंज ना करें, बाकायदगी से आप खाना खाएं, उसकी टाइमिंग आपने तब्दील नहीं करनी, और खाना खाने के बाद तकरीबन 45 मिनट आप खड़े रहें, वॉक करें, 45 मिनट तक आपने सोना नहीं है, लेटना नहीं है, ये भी इसका बचाव है। तीसरा और आखिरी है, सोने के बाद आप अपने सर को, बॉडी की जो पोजीशन है उसे ऊंचा रखें, सर को थोड़ा सा ऊंचा रखें, यानी तकिए का इस्तेमाल करें, तो ये भी इसके तीसरी बचाव है। इन तरीके से आप हाइपर एसिडिटी से बच सकते हैं। थैंक यू जी वेरी मच।